2024 के लिए बीजेपी का मिशन 25 और इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर का दौरा किया, निजी रिसोर्ट में लोकसभा क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अजमेर, नागौर और राजसमंद की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री मंजू बाघमार और मंत्री विजय चौधरी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू और चूरू का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीत का मंत्र भी दिया। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झुंझुनू की, चूरू की और पुष्कर की। तीनों जगह मुख्यमंत्री जीत का मंत्र देते नजर आए, क्योंकि राजस्थान की 25 सीटों को 8 क्लस्टर में बांटा गया और उसके तहत मुख्यमंत्री ने क्लस्टर वाइज लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ चूरू पहुंचे। यहां एक निजी होटल के सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। यहां तीन लोकसभा सीटों चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर की क्लस्टर बैठक में करीब 600 बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड, क्लस्टर प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, चूरू लोकसभा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, बीकानेर लोकसभा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, गंगानगर लोकसभा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सुमित गोधारा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, चूरू विधायक हरलाल सहारण, बीकानेर विधायक सिद्धि कुमारी, भादरा विधायक संजीव बैनीवाल सहित लोकसभा और विधानसभा विस्तारक, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, जिला प्रमुख और प्रधान आदि उपस्थित रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और जीत का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा आप लोग देख ही रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने तय किया है, जनता ने तय किया कि चुनाव हम लड़ेंगे। ये किसी पार्टी का नहीं और किसी परिवार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के विकास के मॉडल को आधार बनाकर चुनाव है, सुशासन का चुनाव है। पिछले 10 सालों से जो नरेंद्र मोदी का विकास रहा है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, और इवन चूरू की भी बात करें, चूरू हो चाहे बीकानेर हो चाहे गंगानगर हो, ये तीन लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग है, या हजारों करोड़ के काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुए हैं। कांग्रेस के लोग पार्टी को छोड़कर डूबती नाव से दौड़ के आ रहे हैं, तो ये आपको प्रमाणित करता है कि बीजेपी की बहुत तकड़ी हवा है। पिछली बारी थी उससे भी ज़्यादा तकड़ी है, तो 25 पिछली बारी जीती थी, तो 25 तो हम इस बारी जीत के ही रहे। सड़क हादसे में घायल होने के बाद ब्रेन डेड युवक 4 लोगों को नई जिंदगी देगा। जोधपुर एम्स में पहला अवसर होगा जब ब्रेन डेड मरीज के अंग डोनेट किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 19 साल के विक्रम कुमार के शरीर के अंगों को बुधवार को एम्स हॉस्पिटल में डोनेट किया गया। जोधपुर एम्स में यह पहला मौका है जब किसी ब्रेन डेड के ऑर्गन को डोनेट किया जा रहा है। इससे 4 लोगों की जिंदगी को बचाया जाएगा। पाल के सारण नगर में रहने वाला विक्रम कुमार 12वीं कॉमर्स का स्टूडेंट था। सोमवार को परीक्षा देकर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रेन डेड होने के बाद उसके शरीर के लीवर और किडनी और लंग्स पूरी तरह काम कर रहे थे। ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने विक्रम के पिता से उसके लीवर, किडनी और एक लंग्स दान करके 4 लोगों की जिंदगी बचाने की बात कही। विक्रम के पिता और परिजनों ने ऑर्गन डोनेट का फैसला लिया। एक किडनी और लीवर को एम्स जोधपुर, एक किडनी को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर और मरीज के फेफड़ों को मेदांता गुरुग्राम में भेजा जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन हो पाए। तो राजस्थान में काफी कम है, तो हमारे यहाँ का फर्स्ट था, तो उनके जो फैमिली वाले हैं वो तैयार हो गए ऑर्गन डोनेशन के लिए। उनके जो रिलेटिव हैं उन्होंने भी समझाया हमें, तो फिर उसके बाद तैयारी की गई ऑर्गन्स को बचाने के लिए। क्रेडिट जाता है फैमिली वालों कि एक जान गई और उसका उपयोग 2 और जान को बचाने में। आई आई विक्रम के 2 भाई व 1 बहन है। परिजनों ने बताया कि विक्रम की दुर्घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। एम्स चिकित्सकों की ओर से समझाइश करने के बाद हमने भी विक्रम के अंगदान करने का निर्णय लिया। विक्रम अंगदान के माध्यम से इस दुनिया में जीवित रहेगा। अपनी मौत को जिंदा रखते हुए 5 लोगों को नया जीवन दिया है।
हम लोगों को, परिवार वालों को, हमारे समाज को, यहाँ तक कि हमारे जोधपुर को भी गर्व है कि इसने ऐसा काम किया है जो मरते हुए को नई जिंदगी देने वाला ये जोधपुर का पहला काम है। एम्स बने को मेरे ख्याल से 15 से 20 साल हुए, लेकिन जोधपुर में ये पहला केस है जिसका ब्रेन डेड होने के बाद ये डोनेट किए हैं अपने ऑर्गन। हमारे लोगों को इस बात की खुशी है कि हमारा बच्चा जो आज मरकर भी हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और ताउम्र जिंदा रहेगा। अंगदान को लेकर सरकारी स्तर पर लगातार जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विक्रम के परिजनों ने निश्चित रूप से एक अनुकरणीय कार्य किया है। वहीं एम्स प्रशासन भी इसके लिए साधुवाद का पात्र है, जिनके प्रयासों से 4 लोगों को जीवन दान मिल पाएगा। शिव प्रकाश पुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। दिल्ली के बीकानेर हाउस में फ्रेंच एम्बेसी का एग्जीबिशन प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिरकत की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए उस वक्त की है जब दिल्ली के बीकानेर हाउस में फ्रेंच एम्बेसी का एग्जीबिशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसको देखने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची, उन्होंने शिरकत की। बाल सुधार गृह से बच्चों के भागने और लोगों को धमकियां मिलने के मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव निदेशक के अलावा जयपुर के पुलिस कमिश्नर से 8 सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने एक निगरानी याचिका खारिज करते हुए ऐसी घटनाओं को लेकर स्वप्रेरणा से संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ जयपुर के हरमाड़ा थाने में FIR दर्ज हुई थी, जिसके खिलाफ रिवीजन को महानगर द्वितीय क्षेत्र की अधीनस्थ अदालत ने खारिज कर दिया। प्रार्थी पक्ष ने याचिकाकर्ता किशोर के लंबे समय से संप्रेषण गृह में होने के आधार पर राहत देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने स्थिति को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। भरतपुर के थाना मुद्रा गेट इलाके में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने खुद भी सुसाइड करने के प्रयास में अपने हाथ की नसें काट ली। मृतका की पहचान पूनम के रूप में हुई। मकान मालिक राजेश ने बताया कि करीब एक महीने से आरोपी सोनू पंडित ने किराए पर कमरा लिया था और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। आज एक लड़की को लेकर आया था, लड़की के बारे में पूछा तो उसे अपनी पत्नी बताया। कुछ देर बाद कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मौके पर जाकर देखा तो फर्श पर खून बिखरा हुआ था और लड़की घायल अवस्था में पड़ी थी, खुद भी घायल अवस्था में था। जिसके बाद मथुरा गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लिया और आरोपी को RBM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया, जहां आरोपी के प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। मृतका के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ मथुरा गेट पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी के 6 बच्चे हैं और मृतका युवती शहर स्थित RD गर्ल कॉलेज में MA प्रथम की छात्रा थी। देखिए, अभी एक प्राथमिक स्तर पर जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, उसमें एक लड़का और एक लड़की इस कमरे में रहते थे और किसी आपसी विवाद को लेकर उनके अंदर कहासुनी हुई और बच्ची की हत्या की गई है। अभी और हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसके पश्चात ही पूरी जानकारी आपको दे पाना संभव होगा। जयपुर के हाथी गांव में 12 नंबर हथिनी चुनचुन माला की मौत हो गई है। हथिनी चुनचुन माला कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। हालांकि वन विभाग के अधिकारी ये कहते रहे कि कोई विशेष खराब स्थिति नहीं है, वो जल्द ठीक हो जाएगी। इसके बाद अचानक हथिनी चुनचुन माला ने दम तोड़ दिया। इससे पहले पिछले साल सितंबर में 63 नंबर जयंतकली, हथिनी नंबर 57 लक्ष्मी को जहर देकर मार दिया गया था। अब हथिनी नंबर 12 की मौत ने हाथी गांव में लचर व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ महावत भी हाथियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हाथियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ACF जगदीश गुप्ता ने बताया कि कल चुनचुन माला का पोस्टमार्टम किया जाएगा, तभी मौत के कारणों का पता चलेगा। बांसवाड़ा से बड़ी खबर करते हैं। हिमांशु नानावटी का वायरल होता वीडियो, एक कमरे में बैठकर हिमांशु नानावटी ने बताया है गोलियां खाते और दवाइयां पीते हुए वीडियो बनाया है उन्होंने। जहर का बताकर इंजेक्शन भी वीडियो में लगाते दिख रहे हैं। हिमांशु नानावटी एक पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एक CI का ले रही नाम, लोगों के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए एक परिवार का भी
वीडियो में जिक्र है। आरोप तो ये है कि दबाव में हिमांशु नानावटी के खिलाफ भी हुई है कार्रवाई, लेकिन हिमांशु नानावटी की किसी भी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब वायरल वीडियो को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। हालांकि वायरल वीडियो की फर्स्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन जरा इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसमें शायद ऑडियो नहीं और इस वजह से हम आपको सुना नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ गए हैं। पीके, जरा बताइए इस ऑडियो के अंदर, क्योंकि दर्द दिखाई दे रहा है, नशे की इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहा है, पूरा मामला क्या है? बजेंद्र, पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। यूं तो ये वायरल वीडियो है, फर्स्ट इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच्चाई यही है कि आदमी दो वजह से मौत करता है, या तो उसने जीवन में संघर्ष नहीं देखा हो या फिर वो संघर्षों से हार चुका हो। तो ऐसा लगता है कि इसकी जो स्थिति है वो मनोस्थिति यही बताती है कि जिन परिस्थितियों में दर्द भरे बयान इसके सामने आ रहे हैं, कि वीडियो अगर पूरा सुनेंगे तो विचलित कर सकता है जनता को। जिस तरह से ये कहता है कि मैं गोलियां खा रहा हूँ, गोलियां एक नहीं दो नहीं दर्जनों गोलियां इसके हाथ में है और एक एक करके चबा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो पुलिस अधिकारियों पर आरोप भी लगा रहा है, इसमें तात्कालीन पुलिस अधीक्षक भी हैं, एडिशनल स्तर के अधिकारी भी हैं और सीआई स्तर के अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आरोप लगा रहा है और कोई बयां कर रहा है इस बात को कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सुना नहीं गया, लेकिन दूसरे लोगों की जो एफआईआर आई बर्बाद आए, उनको एफआईआर बना दिया गया और मुझे मुलजिम बना दिया गया, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं करूं क्या? तो ये सारी स्थितियां हैं। अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर इस प्रशासन के लिए इससे बड़ी नाकामी कोई हो नहीं सकती पुलिस प्रशासन के लिए कि किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन जिस प्रकार से वायरल है, अभी तक इस आदमी का कोई पता नहीं लगा है कि पीड़ित कहाँ है, इसका नाम हिमांशु नानावटी बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब ये बांसवाड़ा का रहने वाला है तो स्वाभाविक तौर पर लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन इसकी मनोस्थिति और परिस्थिति क्या रही है वो इसके बयान के बाद ही सामने आ सकता है जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन इस आदमी का पुलिस से भरोसा उठा है और इसने इस तरह की बातें की हैं तो स्वाभाविक एक जांच का विषय है। भले ही ये वायरल वीडियो है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को आगे आके इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि आखिर ये वायरल वीडियो है क्या, इसका सच्चाई क्या है। अब निश्चित तौर पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जब वायरल हो रहा है तो प्रशासन को इसकी पुष्टि करनी चाहिए। जी विजेंद्र, बिल्कुल पीके अग्रवाल, क्योंकि वाकई में अगर इसमें ऑडियो नहीं, उसके बावजूद जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही है, आंखों से आंसू दिखाई दे रहे हैं, वीडियो तो विचलित करने वाला है, लेकिन क्या ये पुष्टि हो पाई कि ये बांसवाड़ा का ही वीडियो और इस शख्स का नाम जो नानावटी बताया जा रहा है वो बांसवाड़ा का ही रहने वाला है, या इसको लेकर भी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं हुई? नहीं, ये क्या है कि ये नानावटी है, ये बांसवाड़ा का रहने वाला है और निश्चित तौर पर इसका नाना बांसवाड़ा में आवास भी है। लेकिन जिस प्रकार से इस वीडियो में ये भी शब्द सुनाई पड़ता है कि इनका जो आवास है वो भाई बंधुओं के प्रपंच में फंसा हुआ है, इसके आपके जो पेंशन के पैसे थे वो भी इसने खर्च कर दिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि पूरे वीडियो को सुनने के बाद में बहुत कुछ सामने निकल के आता है। अब प्रशासन के पास भी ये वीडियो पहुंचा होगा, प्रशासन को समझना होगा कि आखिर इस प्रकार के वीडियो से न सिर्फ प्रशासन की किरकिरी होती है, बल्कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, क्या यह वीडियो वाकई जिंदगी से संघर्ष न करके खुद ने इस प्रकार का कदम उठाया या सच्चाई कुछ और है। तो ये सारी चीजें समझने की बात है और शीघ्र ही पुलिस को इसका खुलासा भी करना चाहिए। अच्छा, अभी को एक और सवाल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म ये एक अलग पहलू है। इस पूरे वीडियो के अंदर दो मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मोबाइल आपको ध्यान होगा, देखिए वीडियो को जरा, उसके हाथ में है, लेकिन वीडियो तो किसी और कैमरे से बन रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसके साथ कोई और भी मौजूद है या दो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है तो ऐसा लग रहा है के सामने वाला वीडियो जो बन रहा है कैमरा है वो स्टैंड पर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा मोबाइल इसके हाथ में है तो स्वाभाविक है कि वो इस बात को भी कह रहा है कि मैं इसे वायरल कर दूंगा, मरने से पहले वायरल कर दूंगा। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब ये सब कहाँ है, इस बात का अभी तक किसी को नहीं पता है, ना ही इस बात की कहीं से पुष्टि हुई है कि ये सत्य आखिर अभी कहाँ है। जैसे कोई सुराग लगते हैं, कोई कहता है गुजरात में है, कोई कहता है कहीं दूसरी जगह है, लेकिन इन अफवाहों पर भरोसा न करके जैसे ही ये प्रसंज्ञान में आया प्रशासन की में, जब चारों तरफ वायरल हो रहा है, हमारे पास ये वीडियो आ गया, अभी भी सही प्रशासन को जल्दी इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि आखिर ये सच कहाँ है, जीवित है तो आखिर इसने इस प्रकार का वीडियो बना के वायरल क्यों किया, अगर ये गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, सही है तो इसे न्याय। जी भैया, अच्छा एक और सवाल आपसे, अंतिम सवाल, पेशे से नानावटी क्या करता है?
बिजेंद्र ये इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता था, जिस प्रकार से इस वीडियो में जो सामने आया है, इसने लोगों का इन्वेस्ट कराया है, पैसा कहीं इन्वेस्ट कराया और वहां से ये कहता है जब लोगों को इन्वेस्ट का लाभ मिल रहा था तो मुझे अच्छे अच्छे मैसेज आ जाते थे कि थैंक यू मजा आ गया आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट करा दिया, लेकिन जब उनके साथ धोखाधड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट की तो मुझे ही आरोपी मान लिया गया कि मैंने गलत कामों में पैसा उड़ा दिया, दूसरे लोगों का पैसा लेके मैंने खर्च कर दिया और उसी रिकवरी के लिए इसने हाईकोर्ट की भी शरण ली है, इसमें जिस प्रकार की बात सामने आई है, लेकिन लोगों ने इसके खिलाफ बर्बाद की और पुलिस ने उसे जांच। ठीक है पीके अग्रवाल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए ईवीएम वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश चौधरी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चारों विधानसभाओं के 1130 मतदान केंद्रों के लिए रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान 2775 बीयू, 1443 सीयू और 1443 वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रेंडमाइजेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी, साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया गया। रेंडमाइजेशन बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान लोकसभा चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले में 565 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को लेकर भी जानकारी साझा की। टोटल हमारे टोंक में पहले तो 1099 पोलिंग स्टेशंस थे, बाद में जहाँ पे भी हमारे 1450 से अधिक मतदाता हो रहे थे तो उसमें हमने काट के ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, जिसमें पहले लोग अगर एक बूथ में जा रहे थे वोट देने के लिए तो जनरली अब उनको उसी के साइड वाला बूथ, उसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ तक हो सके अथवा पास वाली बिल्डिंग में जाने को मिलेगा। स्वागत है। पंजाब से आ रही नहरों से प्रदूषित पानी रोकने की मांग को लेकर राज्य स्तरीय जल प्रदूषण कमेटी ने हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही पंजाब में नहरों में डाले जा रहे फैक्ट्रियों के प्रदूषण अपशिष्ट को रोकने की मांग की। साथ ही राजस्थान में भी नहरों में डाले जा रहे प्रदूषण पानी को रोकने की मांग भी रखी गई। इस दौरान कमेटी सदस्यों का कहना है कि पंजाब से आ रहा पानी राजस्थान के 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाता है और इस प्रदूषित पानी से राजस्थान में कैंसर के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ अमरजीत मेहराड़ा ने कमेटी सदस्यों को पंजाब के अधिकारियों से वार्ता कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। राज्य स्तरीय प्रदूषण कमेटी से जुड़े हुए हैं, मैं उस कमेटी में अध्यक्ष हूं, सतीश गर्ग जी सचिव हैं, बाकी सभी इसके पदाधिकारी हैं। राजस्थान के करीब 10 जिलों में जो प्रदूषण युक्त पानी आ रहा है उसमें बहुत भारी हैवी केमिकल मिले हुए हैं। पंजाब के 7-8 जिलों में ये समस्या है। बठिंडा से बीकानेर तक कैंसर पट्टी बनी हुई है। जो ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर, उसको लोग पहले मजाक में कैंसर ट्रेन कहते थे, अब उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई कैंसर का मरीज है। ये सारी समस्याएं आप सब अपने सब जानते हैं। क्षेत्र के लोग आए थे जिनका पोल्यूटेड वाटर जो राजस्थान में आता है उसके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनका पंजाब पोर्शन में भी वो जो पोल्यूटेड वाटर है विश्व कंट्रोल पंजाब से भी, जैसा उनको बताया सीजी वाला से वो मिल के आए हैं, तो राजस्थान में भी उनका था कि हमारे भी जहाँ इस तरह की जो छोटी माइनर्स हैं या गांव शहर के आसपास जा रही है उस पर भी विभाग को प्रयास करना चाहिए कि उसमें भी जो गंदा पानी नहीं मिले, उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और पंजाब के अंदर जो पोल्यूटेड वाटर है उसके भी सरकार के स्तर से लगातार जो है हम लोग लिखते हैं और जो भी विभाग की तरफ से है कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करेंगे। बालोतरा के कल्याणपुर में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में बाइक पर सवार दो युवक उछलकर 100 फीट दूर जा गिरे। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर छा गई। भिवाड़ी के बाबा मोहन राम किसान कॉलेज के व्याख्याताओं को एक साल से वेतन नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने संजय यादव और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।
साथ ही अदालत ने प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट में 4 अप्रैल को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होने के भी आदेश दिए। अदालत ने भिवाड़ी के सरकारी कॉलेज के व्याख्याताओं को वेतन नहीं देने सहित कोर्ट में जवाब प्रस्तुत नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि भिवाड़ी के बाबा मोहन राम किसान राजकीय महाविद्यालय का अधिग्रहण राज्य सरकार ने 3 मार्च 2021 को किया था। 3 मार्च 2021 से पहले यह कॉलेज ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था। सरकार ने कॉलेज का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन इसमें व्याख्याताओं को शामिल नहीं किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक वर्ष से जो कॉलेज में व्याख्याता हैं उनको जो वेतन नहीं देने के मामले में उस शिक्षा सचिव का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। यह आदेश डॉक्टर संजय कुमार यादव व अन्य 9 याचिका की पे दिया। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। अब जो उच्च शिक्षा सचिव को साथ ही आदेश दिया है कि वो 4 तारीख को कोर्ट के अंदर उपस्थित हो या तो वीसी से या स्वयं उपस्थित हो कि इनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। यदि इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है तो इनका जो उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोका जाए। पिछले एक वर्ष से ये कार्यरत थे, उस इंट्रीम ऑर्डर के बाद से इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा, ना ही इस याचिका के अंदर कोई जवाब पेश किया। जबर के दौलतपुरा पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर जब्त कर 1 करोड़ रुपए की शराब सहित कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है। एसीपी अशोक चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध मादक पदार्थ और शराब परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा। NH 48 एक्सप्रेस वे पर मुखबिर से प्राप्त सूचना मिलने पर दिल्ली की तरफ से आ रहे यूपी नंबर के कंटेनर को चेक किया गया तो कंटेनर में अंग्रेजी शराब के 865 कार्टून बरामद किए गए, जिनके बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। विद्युत निगम की तरफ से प्रतापगढ़ नगर परिषद पर करीब 2 करोड़ रुपए की बिजली बिल बाकी होने के कारण निगम ने परिषद के कनेक्शन पर कैंची चला दी। अधिशासी अभियंता आरके गुप्ता के निर्देशन पर शहर के कई इलाकों की नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काट दिए गए। इसके चलते शहर के मुख्य चौराहा गांधी सर्कल सहित कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। अंधेरा होने के कारण शहरवासियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, नगर परिषद की तरफ से पहले भी 2 बार बिजली का बिल नहीं भरने के कारण कनेक्शन काटा जा चुका है। जिले में जलदाय विभाग, जनता जल योजना, प्रशासनिक कार्यालय, ग्राम पंचायत, पुलिस, नगर परिषद, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग आदि पर बकाया चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ नगर परिषद पर 198.49 लाख रुपये बकाया है। इसी तरीके से छोटी सादनी नगर पालिका की नियमित कनेक्शन पर 151.14 लाख रुपए बकाया है। बालोतरा जोधपुर जिले की बॉर्डर सीमा लगने वाला अंतिम गांव डोली है और इस गांव के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जोधपुर की फैक्ट्री का प्रदूषित रासायनिक केमिकल का जहरीला बदबूदार पानी पिछले कई सालों से बड़ी समस्या बना हुआ है। पिछले कई दिनों से इस जहरीले पानी की दिनों दिन बढ़ने के कारण डोली गांव में ये पानी घरों तक पहुंच गया है। कुछ घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों की हालत गंभीर होती जा रही है। पूरे गांव में पानी घुसने से इस जहरीले पानी से बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। कुछ घरों में पानी घुसने से उनकी खाने पीने से लेकर रहना तक दुश्वार हो गया है। पशुओं के बाड़े में भी दूषित पानी घुस गया है। वहीं गाँव के स्कूलों का भी यही हाल है। तहसीलदार ओम अमृत प्रजापत, विकास अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी जोधपुर भी मौके पर स्थिति का जायजा लेते हुए रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को पेश करेंगे, मगर पिछले कई सालों से आश्वासन मिल रहा है लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। वहीं लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने और खून से पत्र लिखने की चेतावनी दी। रासायनिक पानी तो इसके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और अभी मेनली अभी जोधपुर में जो STP प्लांट्स हैं उनका पानी ट्रीटेड वाटर जो कि जोजी रिवर में निस्तारित किया जाता है और CTP है जो 20 MLD है उसका भी ट्रीटेड वाटर है। तो ट्रीटेड वाटर वो चैनल के अकॉर्डिंग ये यहाँ आ रहा है स्लो में। राजनीतिक दल का प्रचार करने का आरोप लगाकर एक प्राचार्य को EPO करने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच में सुनवाई हुई। अदालत ने EPO करने और कार्यमुक्त करने के आदेशों को स्थगित कर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता सीमा चौहान को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रेडलिया रामपुरा टोडाराय सिंह टोंक में प्राचार्य के पद पर ही कार्यरत रहने के आदेश दिए। अजमेर में हुए ट्रेन हादसे के बाद एक बार फिर से रेलवे के कवच सिस्टम की चर्चा जोर पकड़ रही है। ये कवच सिस्टम रेल हादसों को रोकने में काफी मददगार है।
इसके सारे एक ही पटरी पर आमने सामने आने वाली दो ट्रेनों को एक निश्चित दूरी पर रोका जा सकता है। इस अग्नि के आने से उम्मीद बंधी कि अब ट्रेन हादसों पर अंकुश लगेगा, लेकिन हाल ही में अजमेर में हुए रेल हादसों ने इनकी याद दिलाई कि आखिर कब मिलेगा रेलवे का सुरक्षा कवच। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे की ओर से मार्च 2022 में तकनीक का बड़ा प्रयोग किया गया, जिसे देश में सुरक्षित ट्रेन संचालन की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इस तकनीक का सफल ट्रायल हुआ और इसे कवच सिस्टम का नाम दिया गया। ये वही तस्वीरें हैं जब कवच सिस्टम तकनीक का ट्रायल किया गया। खुद रेल मंत्री की मौजूदगी में कवच सिस्टम का ट्रायल सफल रहा तो इसे मील का पत्थर बताया गया। इसके साथ ही रेलवे ने दावा किया कि जल्द सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाकर रेल सुरक्षा मजबूत की जाएगी। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कवच सिस्टम है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया है। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO ने डेवलप किया है। भारतीय रेलवे ने कवच टेक्नोलॉजी डेवलप कर इसे नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में अपनाया। यह सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 मानकों की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। अगर किसी स्थिति में लोको पायलट ट्रेन के ब्रेक नहीं लगा पाता है तो कवच ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लगाकर गाड़ी की गति को नियंत्रित करता है। कवच कैब में लाइन साइड सिग्नल को दोहराता है, जो हाई स्पीड के साथ धुंधले मौसम के लिए बहुत उपयोगी है। कवच 2 ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने में सक्षम है। एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आमने सामने आने पर गाड़ियां खुद ही रुक जाएंगी। यह आपातकाल स्थिति के दौरान SOS संदेश भेजता है। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीकृत लाइव निगरानी होगी, जिसके बाद लेवल क्रॉसिंग गेट पर कवच की मदद से ऑटोमेटिक हॉर्न बजने लगता है। अजमेर के मदार में हुए ट्रेन हादसे ने एक बार फिर से कवच की याद दिलाई। इस ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं था। ऐसे में जब उत्तर पश्चिम रेलवे से इसके बारे में जानकारी चाही तो बताया कि कवच का काम प्रक्रिया में है और कवच का रेडियो सर्वे किया जा रहा है। NWR में इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए 1600 किलोमीटर रूट तय किया गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ट्रेन आवागमन के 6 महत्वपूर्ण रूट्स पर इसे इंस्टॉल किया जाएगा। प्रदेश के इन रूट्स पर लगेगा कवच: रेवाड़ी से पालनपुर रूट पर, जयपुर से सवाई माधोपुर, फुलेरा से जोधपुर, पाली से जोधपुर, समदड़ी से भीलड़ी, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर रूट पर कवच का इस्तेमाल होगा। भारतीय रेलवे द्वारा संरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु स्वदेशी निर्मित कवच प्रणाली विकसित की गई है। ये कवच प्रणाली जो है वो टक्कर रोधी है और एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आने की किसी भी ऐसी स्थिति में स्वतः ब्रेक लगा करके ट्रेनों को एक निश्चित दूरी पे रोक लेगी। इस तकनीक का विकास भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी लगभग 1600 किलोमीटर पर इसको विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसमें हमने अभी इसके सर्वे करा दिया है, रेडियो सर्वे, और टेंडर का भी कार्य चल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 6 प्रमुख रूट, उनको हमने प्राथमिक तौर से अभी चयन किया है, जिन पर यह प्रणाली विकसित की जाएगी और लगाई जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 साल में सिर्फ रेडियो सर्वे ही शुरू किया है। इस काम को गति दी जाए तो काफी हद तक ट्रेन हादसों पर काबू पाया जा सकता है। अगर अब तक कवच सिस्टम मिल गया होता तो अजमेर मदार ट्रेन हादसा रोका जा सकता था। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और आपको तो पता ही होगा, फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध करवाने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में है सिंगिंग टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा, और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है।
क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज रात 12 बजे से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। तो देरी किस बात की, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। नमस्कार।